मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया गया। इस दौरान सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज ईदगाह में अदा की। नमाज अदायगी के बाद मुस्लिम भाइयों ने लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को ईद के पवित्र त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए मुल्क के लोगों के लिए खैरियत की दुआएं की। वहीं जामा मस्जिद के इमाम मौलाना रफीकुल कादरी की मौजूदगी में हजारों मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा कराई गई। पवित्र त्यौहार के इस खास मौके पर बच्चों ने भी शिरकत कर ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तान में दुनिया से अलविदा हो चुके अपने परिजनों की कब्र पर फातिहा पढ़ी और खुदा से उसकी सलामती की दुआएं मांगी। ईदगाह में नमाज के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अलावा जन प्रतिनिधियों ने भी उपस्थित होकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। वहीं ईद के इस मुबारक समय पर समाज सेवी रिजवान अहमद मंसूरी एवं उनके सहयोगियों द्वारा संभव सामाजिक साहित्यिक सांस्कृतिक सेवा समिति का शुभारंभ किया गया। सौहार्द के रूप में मनाया जाने वाला पवित्र त्यौहार के मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। सभी जगह जो है जिले में जहाँ जहाँ भी नमाज़ें अदा हो रही है वहाँ पर मैं समस्त जिले वासियों को कांग्रेस की ओर से अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन हमारे भाईचारे के नाते हम इस त्यौहार को चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो हम एक साथ ही मनाते हैं, जिससे हम सभी धर्म के भाई बहनों में एक खुशी और उत्साह की लहर होती है। जब ये रोजे का त्यौहार शुरू होता है तो तभी से हमारे भाइयों में बहुत उत्साह रहते हैं कि रोजे का त्यौहार आ गया है और उसके त्यौहार को हम बड़े धूमधाम से उत्साहपूर्वक मनाते हैं हर साल के हिसाब से। हमने प्रॉपर कस्बा उमरिया के अंतर्गत जो है तो हर पॉइंट पर चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था लगाए थे, मोबाइल पार्टियां भी लगी हुई थी और आज जो है तो सभी मुसलमान भाइयों ने ईदगाह में नमाज पढ़ी, शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई। आप इस त्यौहार में खुद भी खुश हों और सारे संसार को जो है तो खुशियाँ बांटें, आपका दिल भी खुश हो, जैसा आप खाएं वैसा दूसरों को खिलाएं, जैसा खुद पहने वैसा दूसरों को पहनाएं। अवसर पर एक और शुभ कार्य हुआ है, आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मैंने एक संभव साहित्य सामाजिक और सांस्कृतिक सेवा समिति कभी रखने के बाद मतलब पूरी तरह से तपस्या जिसको कहते हैं करने के बाद ये खुशी का ईद का त्यौहार मतलब खुशी का त्यौहार है। हमारे उमरिया में बहुत शांतिप्रिय ढंग से जिला प्रशासन SP साहब कलेक्टर साहब का इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और दोनों जमात की एक जमात होती है, लगभग करीब करीब 3-4 हज़ार आदमी यहाँ पे नमाज एक साथ पढ़ते हैं और सब अमन चैन देश दुनिया के लिए नगर के लिए देश के लिए शांति के लिए दुआ की जाती है।